भाजपा के नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर एक बार फिर से जमकर हमला बोला है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया आज राज्यसभा में वित्तीय बिल पर अपनी बात रख रहे थे, तभी कांग्रेस के कई सांसद पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर टीका टिप्पणी करने लगे, जिस पर सिंधिया ने उनको पेट्रोल डीजल के पीछे का गणित भी समझा दिया और मोना खुलवाने की हिदायत भी दे दी। इस बीच कांग्रेस के किसी नेता ने उन्हें टोक दिया, जिस पर सिंधिया ने भी पलटवार करते हुए उनको महाराष्ट्र की याद दिला दी। सिंधिया ने कहा कि मुंह मत खुलवाओ, 100 करोड़ रुपए गृह मंत्री के द्वारा लिया जा रहा था। सिंधिया ने कहा कि आप 15 लाख की बात करते हो, आप पहले 100 करोड़ का हिसाब दो, मेरा मुंह मत खुलवाओ, नहीं तो मैं शुरू हो जाऊंगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये बात सही है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ये भी सही है कि जो बढ़ोतरी हुई है उसका बंटवारा किया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतों पर खर्चा निकालने के बाद 40% हिस्सा राज्य और 60% हिस्सा केंद्र को मिलता है। 60% में से 42% राज्य को जाता है, राज्य को उस राशि का 64% मिलता है और 36% केंद्र के पास रहता है। सिंधिया ने कहा कि महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल के सबसे ज्यादा दाम है, यहाँ आप सरकार को दुहाई दे रहे हैं लेकिन वहां कोई कदम नहीं उठाते। सिंधिया ने कहा कि वह बस इतना ही कहना चाहते हैं कि जिनके घर शीशे के होते हैं वह दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। वहीं राज्यसभा में बुधवार को कांग्रेस नेताओं ने सरकार की आर्थिक नीतियों की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि कोविड महामारी आने के पहले ही देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी थी और केंद्र अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए कोरोना की आड़ ले रही है। इधर कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने उच्च सदन में वित्त विधेयक 2021 पर चर्चा की शुरुआत करते हुए आरोप लगाया कि सरकार की गलत नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था महामारी के पहले ही खराब दौर से गुजर रही थी, लेकिन स्थिति में सुधार के लिए बजट में कोई खास प्रावधान नहीं किया गया। इनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते, मेरा मुंह मत खिलवाना, शुरू हो जाऊंगा। ऑनरेबल मेंबर रुपए ऑनरेबल मेंबर मंत्री के द्वारा लिया जा रहा है। माननीय सिंधिया जी, मेरा मुंह मत खुलवाना। माननीय सिंधिया जी, प्लीज प्लीज कराज जी, प्लीज सिट डाउन। आप 100 करोड़ जी, सिट डाउन। ऑनरेबल मेंबर्स, प्लीज सिट डाउन। सिंधिया जी, प्लीज एड्रेस द चेयर। सॉरी, मैंने कहा 100 करोड़, और वो तो केवल ऑनरेबल मेंबर एक शहर मुंबई का, बाकी प्रदेश का क्या हाल होगा? आप मेरा ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस। ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।